हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड वन की तैयारी करना चाहते हैं सर, और हम एलिजिबल भी हैं सर, और टेक्नीशियन ग्रेड वन को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन सर, एक कंफ्यूजन दिमाग में बैठ गया है सर, ये जो सीबीटी होने वाला है, मतलब एक ही सीबीटी होने वाला है, बाकी सब तो सही है, लेकिन सर एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये जो मैथमेटिक्स ऐड किया है, क्या ये मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है? नहीं, आरआरबी के इतिहास में पहली बार 11वीं और 12वीं का मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है आपके एग्जाम के अंदर, खास करके टेक्नीशियन ग्रेड वन में। ये वो मैथमेटिक्स नहीं है जो आपके नॉर्मल एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव की तरह पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का पेपर हो या नॉर्मल आरआरबी का पेपर हो। चलिए जरा इसको समझते हैं। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम की बात करोगे, अगर के सीबीटी वन की बात करोगे या सीबीटी टू की बात करोगे या टेक्नीशियन के ग्रेड थ्री की बात करोगे, इन सब के अंदर जो एप्टीट्यूड पूछा जाता है वो बेटा ये वाला है। आरआरबी इसको मैथमेटिक्स ही बोलता है, गणित ही बोलता है, लेकिन वो ये वाला एप्टीट्यूड है, जहां पे आप पढ़ते हो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, या अगर मैं बात करता हूं तो टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप सिस्टम, एज रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें आप यहां पर पढ़ते हो। लेकिन जरा सिलेबस को कंपेयर करते हैं ग्रेड वन के सिलेबस से, जहां पर डिप्लोमा का बच्चा पेपर देगा, जहां पर बीएससी का ग्रेजुएट पेपर देगा, और जहां पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट यानी कि बीटेक किया हुआ एक कैंडिडेट पेपर देने वाला है, यहां का मैथमेटिक्स अलग है। आप यहां का मैथमेटिक्स भी देखोगे तो पूरी तरीके से सिलेबस बदल दिया गया है। आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, स्टेटिस्टिक्स क्या होती है, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिमिलर ट्रायंगल, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एपी जीपीएचपी। तो बेटा मैथ्स पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड वन की तैयारी करना चाहते हो तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो। ये सिलेबस आरआरबी ने आज के पहले कभी नहीं दिया था, और इस सिलेबस को बहुत ही प्यारे तरीके से कंसाइज वही इंसान कर सकता है जो इस तरीके के एग्जाम्स के साथ डील करता है। आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट बुक पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैनल पे हमेशा से ऐसे एग्जाम्स के साथ डील किया जो 11th और 12th की मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ डील करता है, जैसे एसएससी आईएमडी का एग्जाम, जैसे डीआरडीओ सेप्टम का एग्जाम, जैसे एएआई एटीसी का एग्जाम, या एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्जाम, जहां पर इसी तरीके के चीजें पूछी जाती हैं। और इसी को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपके लिए ग्रेड वन का स्पेसिफिकली एक बहुत ही प्यारा हमने बैच लॉन्च किया जो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच। आप इस प्रतिज्ञा बैच को जब देखोगे तो मैं आपको बताता हूं इसको देखना कैसे। आपको नॉर्मली इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, और अगर मैं बात करता हूं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड वन टेस्ट बुक। तो आप जैसे ही टेक्नीशियन ग्रेड वन टेस्ट बुक सर्च करोगे और आप तुरंत इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करोगे जो फर्स्ट नंबर पे आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे। जब डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे तो आप देखोगे ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड वन है, कोई मतलब नहीं इसका ग्रेड थ्री से, ये डायरेक्टली ग्रेड वन के लिए है, लेवल 5 की जॉब है, राइट। और इसी के तुरंत बाद आप जूनियर इंजीनियर्स के लिए प्रमोट हो जाते हो रेलवेज के अंदर। तो ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड वन का प्रतिज्ञा बैच जो कि लॉन्च हो चुका है, 2 अप्रैल से इसकी क्लासेस चालू हैं। मैथमेटिक्स बाय अतुल सर, मैं पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग लूंगा, देन मैं बात करता हूं कंप्यूटर एप्लीकेशन सुनील सर लेने वाले हैं। सारे बैच, सारे सब्जेक्ट्स आपके लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में रहने वाले हैं। इसके अलावा बात करता हूं तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, और आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट सीरीज जो नए पैटर्न पर आधारित है, 157,000 बच्चे जिसकी तैयारी ऑलरेडी करना चालू कर चुके हैं, और इसकी प्राइस को हमने आज बहुत कम रखा है, 6 महीने के साथ 2 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको दे दी है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और एग्जाम तक अपने आप को फोड़ दें, क्योंकि एक ही बार एग्जाम देना, सीबीटी 1 सीबीटी 2 तो है नहीं, तो डायरेक्टली सीबीटी दे देना है, और ये मात्र 898 का है। लेकिन ये प्राइस भी आपकी कम हो जाती है अगर आप टेस्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देते हो, और जब आप टेस्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो तो ये हो जाता है आपका मोहित के। तो मोहित के जैसे लगाओगे तो बेटा इसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली और कम हो जाएगी, और आप सोच सकते हो कि इसको एक बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इंजीनियर्स के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, यही एक चीज है, और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।